क्या है कि रोजगार देना है, अब लेना नहीं है। धीरे 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 फिर इस इंडस्ट्री में मैं आया और आज ये मान के चले कि हम 8 से 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो 2 साल 3 साल में आपका ये लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है और मतलब नहीं चल रहा, या आप किसी भी कारणवश कहीं और जाना पड़ रहा है, तो जो भी वहां पे होते हैं बंदा सेल्समैन वगैरह, जो भी ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो कंपनी हैंडल कर लेगी। जो आपके पास माल नया आता है या पुराना हमारे पास वापस आता है, उसमें आपका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, वो सारा कंपनी का रहता है, और उसके बदले आपका जो ट्रेंड चल रहा है वहां का वो नया आ जाता है। सर ये कहानी बिल्कुल सही अगर आपने सुनी है ना। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो 100% रिस्क फ्री है, और सबसे बड़ी बात कि यहां से आप अपने बिजनेस में गारंटेड रिटर्न पा सकते हैं और महीने के 1,00,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं। और आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसे पर्सन की कहानी है, एक ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरी है जो आपको चौंका सकता है। एक ऐसा पर्सन जिन्होंने हाई क्वालिटी टेक्निकल डिग्री हासिल करी थी, लेकिन के बावजूद भी मार्केट में जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था, और उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर नौकरी भी की, लेकिन जब वहां से भी सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने एक ऐसे धंधे की शुरुआत करी जिस धंधे से आज उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो है, 10 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रही है, 10 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आज हम लोग ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टैक्सी ड्राइवर टू टाइकून बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के तौर पर ये सब कुछ कन्वर्ट हुआ, और कैसे उनके साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करके और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार कंटेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने के लिए, और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का बिजनेस जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी पर। थैंक यू। ये हैं सचिन दानकोरिया जी जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। सर एक कहानी आपके बारे में बड़ी प्रचलित हो रही है कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उसके बाद आपने जॉब के लिए स्ट्रगल किया और फिर आप बड़ा बिजनेस के तौर पर अपने आप को इवॉल्व कर पाए। सो इसके पीछे का ये सच क्या है, कहानी क्या है, थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को बताइए, दैट इज मोटिव फॉर द मोटिवेशन। सर ये कहानी बिल्कुल सही अगर आपने सुनी है ना कहीं तो कहानी सही है, क्योंकि 14 में मैंने बीटेक के लिए पास आउट किया, मैकेनिकल से मैं फील्ड से बीटेक कंप्लीट किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। ये लगा कि अब दुनिया में कुछ नहीं है, आपके लिए रोजगार ही नहीं है, तो अब क्या है कि रोजगार देना है, अब लेना नहीं है, तो एक वो माइंड सेट था। और फिर काफी कोशिशें करी, फिर टैक्सी भी चलाई काफी साल तक मैंने, धीरे 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 फिर इस इंडस्ट्री में मैं आया और आज ये मान के चले कि हम 8 से 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी साल से, और उसी एक्सपोर्ट का जो मेरे को आउट ऑफ इंडिया से जो डिमांड मिली, जो मुझे समझ में आया कि हम इंडिया में क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैं डोमेस्टिक नहीं करता था, लेकिन अभी हमने जो एक्सपोर्ट का नॉलेज था, वहां से भी क्लाइंट्स आते थे मेरे से मिलते थे कि भाई हमें हैंड ब्लॉक टाइप का कुछ ये कॉटन चाहिए, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है और बहुत पहले से करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें काम किया जाए और अपने जो इंडिया की जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमने ये रिसेंटली हाउस ऑफ द हैंड ब्लॉक जो ब्रांड है वो लॉन्च किया और आज अच्छा खासा कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ। हाउस ऑफ हैंड ब्लॉक का क्या मतलब है? सर हैंड ब्लॉक एक क्या है, राजस्थान की कला है, और ये बगरू एक जयपुर के पास एक शहर पड़ता है बगरू, वहाँ की कला है, और ये हैंड ब्लॉक प्रिंटेड मैं आपको बताऊं काफी सालों से चलता आ रहा है, जिसमें हम नेचुरल कलर्स को यूज करते हैं ताकि स्किन के लिए रेसेस ना हो, काफी आजकल केमिकल यूज होते हैं, तो और केमिकल से क्या होता है इन्वायरमेंट है ना अपना पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो हैंड ब्लॉक और जो मैं मानता हूँ कि जो पुराना हमारा काम हो रहा था पुश्तों से जो चलता आ रहा था ना, वो कभी भी आपको इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो सस्टेनेबल था। सस्टेनेबल का मतलब हम बात करें, अब जो हमारे पास कॉटन है, कॉटन पे हम हैंड ब्लॉक प्रिंटेड करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि ये लकड़ी के ब्लॉक है, इस तरीके से ब्लॉक होते हैं और लकड़ी पे पहले ये कार्रवाई होती है, उसके बाद ये ब्लॉक से हम कलर जो नेचुरल कलर में इसको डीप करके और फिर उसमें प्रिंट करते हैं। जी जी, तो इन ब्लॉक्स के द्वारा हम प्रिंट करते हैं, और ये सारा मैनुअल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई मशीन यूज नहीं कर पाते हम, तो स्लो प्रोसेस है, और जहां स्लो प्रोसेस आता है सस्टेनेबिलिटी भी आती है। नेचुरल कलर्स पेड़ पौधों से, पत्तों से हम वहां से
मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी जैसे यहाँ से यूज करते हैं, हमने क्या काम किया है, हमने इसी चीज को एकदम मिडिल क्लास के लिए हमने इसको तैयार किया है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और सस्टेनेबल की तरफ लोग जाए। ऐसा नहीं है कि अब पहले क्या हो रहा था कि मार्केट में ये चीजें मिल नहीं रही थी क्योंकि एक्सपेंसिव था, कोई हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिर हर कोई जो सस्ता चाहिए जिसको केमिकल वाला है वो आपको 50% और भी सस्ता 200 रुपए मिल जाता था। लेकिन हमने भी इसको काफी हद तक कम किया है रेट को, अफोर्डेबल दाम में हम इसको लेके आए जो अच्छे से आप कस्टमर तक पहुंच पाए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, ये किस किस तरह के क्लोथ हैं, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें बिजनेस मॉडल क्या है जिसके साथ आप इनके साथ जुड़ करके और बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा कपड़ों के बारे में आप मुझे बताइए और दिखाइए। ये हमारे कोड सेट्स मिलते हैं इस तरह के, जिसमें ब्यूटीफुल मल्टी कलर प्रिंटेड होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा हैंड ब्लॉक प्रिंटेड इनको बोलते हैं, जो अलग से उभार दिखता है इनमें। ये इस तरह के आपको डिजाइन मिल जाएंगे, इसमें नीचे पैंट पठानी टाइप की मिल जाएगी आपको, और दिखाता हूँ मैं इस तरह की। ये देखिए ये मोरनी प्रिंट है और ये भी हैंड ब्लॉक प्रिंटेड है, इसमें अंग रखा आपको पैटर्न मिलता है देखिए, और नीचे इसमें प्लाजो मिल जाएगा जो कि आपको प्लाजो इसमें अंदर से सेट किया गया है। इस तरह के काफी सारे डिजाइन मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि एक काथा वर्क बोलते हैं इसको हैंड ब्लॉक प्रिंटेड, इसमें भी ये कोड सेट आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएंगे बच्चों की जो ड्रेसेज होती है एथनिक वियर में, शरारा सेट जो आपको शादी ब्याह में पहनते हैं, जैसे कि फेस्टिवल में बच्चे आजकल खूब डिमांड करते हैं, इसमें आपको इस तरह की ड्रेसेस मिल जाएंगी। इस तरह की बच्चों के लिए फ्रॉक्स मिल जाएंगे, और ये बेबी बॉय के लिए अपने पास काफी कलेक्शन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेबी गर्ल्स के लिए है जो कि 1 साल से लेके आपका 12 साल तक के आपको इस तरह के डिफरेंट प्रिंट्स में आपको मिल जाएंगे, इस तरह के आपको डिफरेंट प्रिंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मदर डॉटर ड्रेसेस भी अपने पास मिल जाती हैं, जैसे सेम सरारा ड्रेस मदर के लिए, सेम उसकी डॉटर के लिए भी अपने पास इस तरह के कलेक्शन में मिल जाएंगे। गर्ल्स के लिए ऑफिस वियर के लिए जो होता है कलेक्शन, आपको ये इस तरह के कोट कॉलर में इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट में डिजाइन मिल जाएंगे, जो शॉर्ट कुर्ती जींस के ऊपर भी ऑफिस में पहनने के लिए होती है कंप्लीट। इस तरह की एकदम शॉर्ट कुर्तीज भी आपको मिल जाएंगी जो कि आजकल काफी ट्रेंड में रहती हैं डिफरेंट जींस के ऊपर पहनने के लिए आजकल, और ये कंप्लीट शॉर्ट सेट्स भी मिल जाते हैं अपने पास, जैसे इस तरह के क्या जींस के ऊपर ज्यादातर पहनते हैं, ये नाइट में भी पहन सकते हैं। इस तरह के काफी डिजाइन अपने पास मिल जाएंगी, जैसे कि इस तरह की जो शरारा ड्रेसेज है काफी बहुत ट्रेंड में रहती है फेस्टिवल सीजन में, तो ये भी हम बनाते हैं कंप्लीटली आपको मिल जाएंगी। तो ये इस तरह की मेंस की शर्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसमें मेंस के शॉर्ट कुर्ता भी आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप में हमारे पास फादर सन की भी जो कॉम्बो ड्रेसेज भी मिल जाती है, और जो भी हमारे इस स्टोर पे अवेलेबल है वो सारा इन हाउस है, प्रिंटिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग हमारा इन हाउस ही होता है ताकि हम प्रॉपर क्वालिटी एंड कंट्रोल कर सके। सभी कुर्ता में आपको बहुत साइड पॉकेट्स मिल जाती हैं, सारी चीजें आपको A1 जो क्वालिटी होती है ब्रांड की वो आपको मिलेगी यहाँ पर। इस तरह के हमारे पास बॉयज का कलेक्शन में मिल जाएगा छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि ये शर्ट आ गई, उसके नीचे कोट सेट में ये उनका शॉर्ट्स आ जाता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए राजस्थानी हाथी घोड़ा प्रिंट है, और ये देखिए हाथी का इस तरह का ये आपको मिल जाएंगे, कुर्ता मिल जाएंगे, और इसके नीचे पजामा और धोती टाइप के काफी सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे। आजकल क्या है कि बच्चों को गिफ्ट देने के लिए काफी चीजें नहीं रहती है मार्केट में अवेलेबल, तो आपको यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके ये कपड़े काफी अच्छे हैं, जिनको सस्टेनेबल मॉडल के अंदर जाना है या फिर इको फ्रेंडली क्लोथिंग जिनको पसंद है, तो उनके लिए बेस्ट क्वालिटी के कपड़े हैं यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर हमारे कोई व्यूअर्स बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो इसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन से बिजनेस मॉडल आप प्रोवाइड कर रहे हैं? सर अगर कोई हमसे जुड़कर बिजनेस करना चाह रहा है, क्योंकि मैंने वो लाइन देखी है कि हमारे पास हाथ में ना जॉब थी ना कोई धंधा था, और मार्केट में मतलब आप इतनी अच्छी डिग्री करने के बाद आपको जब कुछ मिलता नहीं है ना, तो कितना मतलब आप अंदर से कितने टूट जाते हो, वो मैंने देखी है वो लाइफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन भाइयों के लिए जो लोग आज मेरे उस स्टेज से आज वो गुजर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। अगर फिर भी अगर कोई आज के टाइम में अगर कोई अपना एक दुकान स्टार्ट करना चाहता है, कर लेता है, मिनिमम कोई इन्वेस्टमेंट 5-7 लाख आजकल कम से कम लगते हैं, लेकिन वो कर तो लेते हैं स्टार्ट, लेकिन क्या होता है कि उनको अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या बेचना है, कैसे बेचना है। स्टार्टिंग में तो वो पूरा स्टडी करके वो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे टाइम बीतता है ना, तो उनका वो बिजनेस मॉडल वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उनको मार्केटिंग नहीं आती है। बिल्कुल सही, ठीक है, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट क्या चलेगा, कितना चलेगा, ब्रांडिंग हो गई, उसको मार्केटिंग हो गई, काफी चीजें इन्वॉल्व होती है रिटेल बिजनेस में, तो उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो लोग गिव अप कर देते हैं और बहुत जल्दी उनको पीछे हटना पड़ता है। इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, उन सभी को इन्वॉल्व करके 10 लाख रुपए में मात्र एक आपका रिटेल स्टोर एक फ्रेंचाइजी, जिसमें कंप्लीट सारा स्टोर का इंटीरियर एक्सटीरियर जो अंदर का माल है, मटेरियल है, सॉफ्टवेयर है, CRM है, टेक्निकल सपोर्ट है, ब्रांडिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, प्रॉपर आपका जो 3 महीने तक हमारा जो ट्रेनिंग सपोर्ट चलेगा, जो आपका सेल्समैन रहेगा या आप खुद रहेंगे, कंप्लीटली उसमें फ्री मिलने वाला है, और लाइफ टाइम तक आपको उसमें कोई भी एक भी पैसा एड और करके नहीं देना है। आपका जितना भी स्टॉक है, सपोज करें डेड स्टॉक होता है या बिक नहीं रहा है, वो सारा का सारा हमारी कंपनी देखेगी, पर्सनली मैं देखूंगा उसको कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतना सिस्टम है कि आपकी फ्रेंचाइजी में कितना माल बिक रहा है, कौन सा बिक रहा है,
कौन सा प्रिंट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा साइज ज्यादा बिक रहा है। हमारा जो मार्केट सर्वे एक टीम है जो सर्वे करने के बाद कंप्लीटली मतलब आपके जो रिटेल स्टोर को आगे चलाने में पूरी मदद करती है। कौन से वो लोग हैं जो इस फ्रेंचाइजी के अंदर आ सकते हैं और किस किस जगह पे ये फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं, तो सर हमारे क्लाइंट को सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, जो भी बंदा बिजनेस में जरा सा इंटरेस्टेड है ना, मेरा सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जो इंटरेस्टेड है वो इसको कर सकता है। दूसरी चीज है कि अब ये जो फ्रेंचाइजी की कहां कहां पर हमारी अभी अपॉर्चुनिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी आपको। टीयर टू सिटीज में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 400 से 500 स्क्वायर फीट आपको स्पेस चाहिए आपके नियर बाय, जहां पर अच्छा खासा फुटफॉल हो, और अगर नहीं भी होता है तो हमारी टीम कंप्लीटली आपके साथ सपोर्ट करके वहां पर एक अच्छी लोकेशन ढूंढती है और आपको ये बिजनेस स्टार्ट करवाने में पूरी मदद करती है। जो आप कह रहे हो कि एक बार कोई बंदा हमारे से 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद उसको माल नहीं खरीदना है, तो ये मॉडल कैसे होगा, कैसे ये आप इसको एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा मुझे बताइए। सर, जब आप हमसे कनेक्ट करते हैं, 10 लाख रुपए आपने हमको दे दिया, हमने आपका स्टोर खुलवा दिया, कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दे दी, टेक्निकल सपोर्ट दे दिया, ब्रांडिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी, अब आपको सिर्फ वहां पे बैठना है और जो आपकी सेल करनी है बस बैठ के, आपका अपना जो माल है ऑटोमेटिक बिकेगा, आपको बस बेचना पैक करके देना है। अब जो पेमेंट आपके पास आता है उसमें आपका 35% से लेके 40% तक आपका जो कमीशन, कमीशन कह दीजिए, आपकी इनकम कह दीजिए, उसको मार्जिन हम कहते हैं, वो आपका रहेगा। उसके बाद जो अमाउंट जो 60% या 65% जो बचता है वो हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा, उसी पैसे से हम आपका कैश फ्लो करेंगे और आपके पास नया स्टॉक आता रहेगा। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर सपोज करें किसी महीने आपकी सेल कम रही तो, और अभी जैसे दिवाली का सीजन आ रहा था या कोई भी फेस्टिवल आ रहा था, तो अब अगर आपकी सेल कम है तो हम जरूरी नहीं है कि आपकी जितना हमारे पास अमाउंट उतना ही देंगे, हम वो डिमांड को देखते हुए आपकी सप्लाई चेन को कंप्लीट करके रखेंगे और जो नई ट्रेंड्स आएंगे उसको फॉलोअप करके, उसको फॉलोअप करके, क्योंकि हमें एट द एंड फ्रेंचाइजियां चलानी है, ना कि एक बार वन टाइम में हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें आपका भी सपोर्ट करना है। और जब एक दूसरे से सबके हाथ मिलते हैं तो सब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। एक पॉइंट और है जो आपका भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन होगा, और ये पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए हर लोकेशन का अलग अलग ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनका स्टाइल अलग है, उनके पहनने के तरीके अलग है, यूपी में जो रहने वाला है उसका पहनने का तरीका अलग है, तो हर जगह का अलग अलग वेराइटी, अलग अलग चीजें चल रही है। अब ऐसे में आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, आपने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूपी में चलने वाला है, वो यहाँ नहीं चलेगा, वो किसी और स्टेट में नहीं चलेगा, तो इसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट वहां सेल नहीं हो रहा है जी। तो ऐसे में आप जो है उन स्टॉक्स पर क्या आप प्रोवाइड करोगे, वो कैसे रिटर्न का फैसिलिटी है, वो सब क्या है, थोड़ा मुझे बताइए। सर, वैसे तो क्या होता है ना कि हमारी टीम पहले सर्वे करती है कि यहाँ पर क्या कलेक्शन चलने वाला है, फिर भी इन द कोई भी केस ऐसे हो जाए कि 2-4 प्रोडक्ट नहीं चले तो उसमें कोई भी डरने की कोई बात नहीं। हमारा एक सिस्टम होता है, एक साइकिल होता है कि 90 दिन तक अगर वो प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हुआ या किसी ने उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया तो हम वो प्रोडक्ट को वापस ले लेते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी भी नहीं लगेगी, उसमें सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपके पास माल नया आता है या पुराना हमारे पास वापस आता है उसमें आपका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, वो सारा कंपनी का रहता है, और उसके बदले आपका जो ट्रेंड चल रहा है वहां का वो नया आ जाता है। उसमें कोई भी आपको कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है कि यार यहां पे ये तो बस एक बार ही दे दिया और अब बात खत्म हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं। एक बात और जो मेजर है जी, 10 लाख का इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसको 10 लाख अर्न करने हैं, मतलब आरओआई निकालने हैं, सिंपल सिंपल बात है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा आरओआई जनरेट करने में? सर, एक्चुअल बात करें रिटेल बिजनेस की, अगर आरओआई की बात करें तो 3 से 4 साल में आती है आरओआई। किसी का भी आप उठा लीजिए, बड़े से बड़े ग्रुप का उठा लीजिए, 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये है कि 3 साल के अंदर आपको आरओआई मिल जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा ब्रांडिंग सपोर्ट और जो एक्सपीरियंस है वो आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, वो सारा एक्सपीरियंस आपके स्टोर में साथ कनेक्ट होकर काम करेगा। वो 2-3 साल में आपका ये लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है और मतलब नहीं चल रहा, या आप किसी भी कारणवश कहीं और जाना पड़ रहा है, तो जो भी वहां पे होते हैं बंदा सेल्समैन वगैरह, जो भी ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं वो कंपनी हैंडल कर लेगी, और आपको आपको वहां से एग्जिट देके और कंपनी स्टोर को रन करना। अगर वो एग्जिट चाहते तो एग्जिट भी दे सकते हैं, वरना उसके पास 25% का जो मार्जिन है वो आता रहेगा, कंपनी ऑपरेट कर लेगी उसको कंप्लीटली। अच्छा, मतलब आपको वहां पे रहने की जरूरत नहीं है, कंपनी ऑपरेट कर रही होगी, और आपका जो मार्जिन 30-35% तक का जा रहा था उसमें से 10% माइनस करके और बाकी जो 25% है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसके बाद भी आपने ये डिसाइड कर लिया यार मुझे इसमें रहना ही नहीं है, किसी भी हालत
हालत में नहीं रहना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती आपके साथ काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि सब आगे बढ़े, ना कि मेरे साथ ही आगे बढ़े। आप किसी फील्ड में कहीं और आगे जा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि सब आगे बढ़े। जी। अगर आपको नहीं लग रहा कि यार बिल्कुल भी अब इसमें मजा नहीं आ रहा, या कुछ होता है ना कि यार मजा ही नहीं आ रहा, बात खत्म करनी नहीं है, तो उनके जो भी अमाउंट का मटेरियल उनके पास रहता है कंप्लीटली 100% रिफंडेबल होता है। वो हम बिना कोई क्वेश्चन के 2 साल के बाद तो हम उनसे पूछेंगे कि हाँ अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो या हो या कोई दिक्कत है, फिर भी हम उनसे 6 महीने का टाइम देते, जैसे कि सब देते हैं कि 6 महीने में और आप देख लो, कुछ समझ लो। 2.5 साल के बाद हम अगर उनको बिल्कुल भी 6 महीने के बाद हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे उनसे, उनका जो भी अमाउंट रहता है 100% रिफंड कर देंगे, इतना भी स्टॉक रहता है। तो वहां से आप कंप्लीटली एग्जिट भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें हम जाएंगे या इस धंधे में जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो यहाँ पे फंसने वाली कोई टेंशन नहीं है। आप इनके साथ प्रॉपर एग्जिट कर सकते हो अगर आपको इन फ्यूचर प्लान बनता है तो। जी। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर आते हैं और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, जैसे अमूनन आप लोग हमारे कमेंट में पूछते हैं कि फ्रेंचाइजी देने के बाद से कंपनियां बात नहीं करती, कंपनियों से कॉन्टेक्ट नहीं होता है, उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है, तो इसमें आपका क्या कंसर्न है? आप अपने कंपनी के थ्रू क्या चीजें स्टोर कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में बता दो। सर ये बात सही भी है, मैंने भी क्या स्टार्टिंग में, क्या हर बंदा ऐसे अचानक से नहीं आता इस धंधे में, मैंने भी स्टार्टिंग में पहले फ्रेंचाइजियां लेने की कोशिश करी कि मैं भी चाहूं कि यार, मतलब हर मैं धंधे में ट्राई किया हुआ है कि यार इसकी फ्रेंचाइजी ले लें, इसकी ले लें, लेकिन एट द एंड ये समझ में आया कि हर कोई कंपनी आपके लिए नहीं बनी है, आपको समझना पड़ेगा। आप जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लें, आप किसी और की भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहां जीरो से उठ के आया हुआ हूं, मुझे पता हर बंदे का दर्द, हर जो स्ट्रगलर का क्या है। बिल्कुल। मैं उसको हर तरह से पूरा करने की कोशिश करूंगा, जो हमारे एग्रीमेंट में होगा उससे भी ज्यादा मैं आपके लिए तैयार रहूंगा, और मैं पर्सनली आपके पास वहां पे विजिट करके 2 से 3 महीने तक आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, उसके बाद आपको मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 3 महीने अच्छा। के अगर आपको ट्रेनिंग प्रॉपर मिल जाती है ओके। तो 3 महीने तक का यहाँ ट्रेनिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। आपके स्टाफ वगैरह जो भी रखना होगा, या फिर इनफैक्ट अगर आप भी रहना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाने वाली है। एक ऐसा धंधा जो रिस्क फ्री है, जिसमें टेंशन नहीं है, और जिसमें अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो इन फ्यूचर एग्जिट करने का भी प्लान है। आपको पकड़ के नहीं रखा जाएगा, आपको नुकसान नहीं करवाया जाएगा। कुल मिला के ये मॉडल जो है इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस मॉडल के साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आपको इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट है तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं। और अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो जयपुर में आप आकर के हाउस ऑफ द हैंड ब्लॉक की कंपनी में आप आकर के और यहां से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।